अर्चना करने के बाद साध्वी ने मंदिर में भजन भी गाया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं उसी मंदिर की, देखिए बैन लगा हुआ है, चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं, जनसभाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन मंदिर मंदिर घूम के अपने समर्थकों के बीच में बैठ के पूजा अर्चना करते हुए साध्वी प्रज्ञा नजर आई हैं। बीजेपी की उम्मीदवार भोपाल से दिग्विजय सिंह को टक्कर देती हुई नजर आ रही है और अपनी जीत की दावेदारी और उम्मीद जताती हुई, बैन इन पर लगा हुआ है लेकिन मंदिर मंदिर दर्शन करके पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही है। और ये आप सुनते हैं भजन को जो साध्वी की तरफ से गाया गया। साध्वी भवानी चौक स्थित माता के मंदिर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि माँ जगदम्बे के मंदिर में वो यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर बीच में जो है कि भक्तों के साथ में वो भजन गा रही। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मीडिया की बड़ी भीड़ है और उस बीच में बैठकर प्रज्ञा साध्वी भजन गा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रज्ञा साध्वी पर 3 दिन 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में प्रज्ञा साध्वी चुनावी रैली नहीं कर सकती, कोई जनसभा नहीं कर सकती है, तो वो अब भवानी चौक स्थित माँ जगदम्बे के मंदिर पहुंची हुई है और यहाँ पर वो भजन कीर्तन कर रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं, भोपाल के महापौर आलोक शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मीडिया की भी बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रज्ञा साध्वी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची हुई है और यहाँ पर वो भजन गाएंगी। तमाम यहाँ पर जो मंडली है वो यहाँ पर बैठी हुई है, जो है कि भक्ति गीत भजन गा रही है। आपको दूसरी ओर दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये भवानी चौक स्थित माँ जगदम्बा का मंदिर है, इसको कर्फ्यू वाली माता मंदिर भी कहते हैं। वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बैठ के एक छोटी सी बच्ची के साथ में बैठ कर प्रज्ञा साध्वी भजन कर रही है। आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरा नजारा भवानी चौक स्थित माँ कर्फ्यू वाली माता मंदिर माँ जगदम्बे का है, जगदम्बे मंदिर का है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और मैं आपको फिर एक बार अंदर माता के भी दर्शन कराना चाहता हूँ कि ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं माँ जगदम्बे की प्रतिमा है और ये जो पूरा इलाका जो है भवानी चौक स्थित कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं कि यही माँ जगदम्बे के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में माँ जगदम्बे की आरती की और आरती करने के बाद में अब वो यहाँ पर भजन कर रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रज्ञा साध्वी के ऊपर चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिबंध लगा गया है। ऐसे में 3 दिन तक प्रज्ञा साध्वी ना तो चुनावी रैली कर सकती है ना ही आम सभा कर सकती है। ऐसे में अब वो कुल मिलाकर माँ जगदम्बे की शरण में आई हुई हैं और यहाँ पर बैठकर वो भजन कीर्तन करेंगे। कैमरामैन साकिब के साथ प्रशांत शर्मा, इंडिया न्यूज भोपाल। और इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।